पत्तों का धुआं कर रहा हूँ ताकि ये धुआं उन कोनों में भी पहुँच जाए जहाँ पर साबुन का पानी नहीं पहुँच पाए। देखा मैंने इसे सही कहा था ना, मिस्टर लल्लू तो सचमुच लल्लू है। पता नहीं कैसे स्टूपिड स्टूपिड आइडियाज लेके आता है ये। अरे अरे ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया तो बीबीबी का है। उसी ने मुझे बताया कि नीम के पत्तों का धुआं करने से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी बल्कि इस धुएं से परेशान होकर मच्छर दूर भाग जाएंगे। और अगर ये स्टूपिड आइडिया बालवीर का है तो लल्लू बालवीर ही हो ना, है ना, है ना? बल्लू खबरदार, अगर बालवीर को लल्लू बोला तो मैं तुझे पीट दूंगी। और अगर तू ये कह रहा है कि बालवीर का आइडिया है तो ब्रिलियंट ही है, समझा? तू वही कर जो बालवीर ने कहा है, ओके? हाँ हाँ ओके ओके। और तू क्यों, हम भी वही करते हैं जो बालवीर ने कहा है, क्यों मानो? हाँ तो हेल्प कर बल्लू, तुम आसे पकड़, मैं आसे पकड़। अब चल। ठीक से करो, बाल भी लगा है ना? अच्छे से करो ना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा हिला दे। हाँ उधर भी। ये। चल चल। मुन्ना बालवीर ने नीम के सूखे पत्तों का धुआं छोड़ दिया है। ए उसकी क्या बोला ये? ये बोला बालवीर ने नीम नीम नीम। अरे तू अपनी छोड़, अबुन की सुन। मेरे को लगता है बालवीर ने नीम के सूखे पत्तों का धुआं छोड़ दिया है। अभी अपन सबको भागना पड़ेगा रे, भागो। तुम सब लोग निकलो रे, अबुन अभी आया। लिपस्टिक गई मुन्ना, आज तेरी लिपस्टिक गई। ये लिपस्टिक? अरे तू घबरा मत लिपस्टिक, मुन्ना के होते हुए तेरे को कुछ नहीं होएगा। और तू तो इतना लंबा जिंदगी कर लिया है अपना। नहीं मुन्ना, मेरे को लगता है मेरी लंबी जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये बच्चे लोग जो मच्छर मारने की दवाई यूज कर रहे हैं उसकी वजह से मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये सब उस बीबीबी ने किया है, अब उन छोड़ेगा नहीं उसको। भगवान मुन्ना भाई को बचा ले। लिपस्टिक नहीं आए तो हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। मैंने बोला था बुरे काम का बुरा नतीजा। मास्टर जी अभी क्यों क्यों बैठो आप? मुन्ना भाई आगे। इस बार किस्मत ने साथ दे दिया, पर बुरे काम करना नहीं छोड़ोगे तो एक दिन किस्मत भी साथ छोड़कर चली जाएगी। हाँ अब आने दो उस मच्छरों के महाराज को, देखता कैसे काटते हैं मुझे। मैं आज शाम से खड़ा रहूंगा और झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। आ गया मेरा शिकार, होके तैयार, अब करूंगा वार, बार बार लगातार। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं पूरी तरह से कवर होके आया हूँ। वाँ 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 वाँ। तुम अपने आप को जितना चाहे ढक लो गंदगी फैलाने वाले लड़के, वाँ 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 वाँ। लेकिन हर
ओंग 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 मैं तुम्हें इस कपड़े के ऊपर से काटूंगा। ओंग 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 नहीं बनना है मुझे प्रेसिडेंट, नहीं बनना है, मैं सच में झाड़ू लगा लूंगा। अरे वाह क्या बात है, रानी परी ने दवाई बनाई, इस खुशी में आपने अभी से लड्डू बनवा दिए। हम चक्कर देखते हैं। अरे रुके रुके बाल पर, ये साधारण लड्डू नहीं है, ये नींद के लड्डू है। नींद के लड्डू? नटखट परी अब ये कौन सी शरारत है? नहीं नहीं बाल परी, ये कोई शरारत नहीं है, निंदियों की दवा के प्रयोग से पहले उसकी जांच होना बहुत जरूरी है, और निंदियों की बीमारी की जांच सही मायने में तब पूरी हो सकती है जब इसका प्रयोग उस पर करें जो गहरी नींद में हो। हाँ वो तो है। तो फिर चलिए सबसे जाके पूछते हैं कि ये नींद के लड्डू वो खाएंगे कि नहीं। अरे रुके रुके, सारे लड्डू ले जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से काफी होंगे। करनी तैयारी फटाफट ताकि दवाई बने झटपट। अरे है तो स्वादिष्ट लड्डू की खुशबू, पर आ रही है कहां से? इतने सारे लड्डू बनाए, इतने सारे लड्डू परी होने और बताया नहीं मुझे। कोई बात नहीं, अभी मैं साफ कर देता हूँ इन्हें। मैं ये लिपस्टिक तो सबसे ज्यादा निंदु फैलाया, फिर इसका जिंदगी लंबा होने के बदले छोटा क्यों हो रहा है? क्या बोला रे उलट तू? ये बोला लिपस्टिक तो सबसे ए फुसकी, अरे छोड़ा भी तू, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिपस्टिक तो सबसे ज्यादा निंदु फैलाया, फिर इसका जिंदगी लंबा होने के बदले छोटा क्यों हो रहा है रे? वाइच, अरे मेरी लिपस्टिक कोमा में चली गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सबसे लंबी जिंदगी जीने वाली आज अपनी जिंदगी को तरस ले ली है, काहे को फुसकी, काहे को बोलना? फुसकी से क्या पूछते हो मुन्ना, अगर पूछना है तो अपनी उस भयंकर परी से जाकर पूछो जिसने तुम सबको बुरे रास्ते पर डाला है, अपने किसी फायदे के लिए तुम सबका फायदा उठाया है उसने। जाओ जाकर सारा हिसाब मांगो उससे, जाओ मुन्ना जाओ। जी मास्टर जी, आज पहली बार अपन को आपकी बात समझ में आ रही है, अपन जा रहे हैं, अभी के अभी जा रहे हैं अपन। लाऊंगा आपके लिए कुछ, बोलिए लाऊं पृथ्वीलोक से खमन ढोकला, रगड़ा पेटीज, वड़ा पाव, समोसा पाव, सेव पूरी, भेल पूरी। चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ उस मुन्ना मच्छर का। मुन्ना मच्छर का है, बुलाया उसे आपने क्या? नहीं मगर वो आएगा, बिना बुलाए आएगा।
बिना बुलाई आएगा क्यों? क्योंकि पृथ्वी लोक पर बालवीर ने मच्छरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उसमें कई मच्छरों की जान जा चुकी है। अब तक तो उस बेवकूफ को पता चल गया होगा कि किसी मच्छर की जिंदगी नहीं बढ़ रही। उसका हिसाब लेने वो मेरे पास जरूर आएगा। अच्छा है ये बात। परी भयंकर तो चलिए निकलते यहाँ से। हाँ, अरे करेगा कौन सामना उस बदतमीज मुन्ना मच्छर के सवालों का। चलिए निकलिए, पहले मैं निकलता हूँ, बाद में आप निकलना। चलिए रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मुझसे सवाल पूछे। है क्या बकरी आप? मेरा मतलब है क्या बोल रही आप? मुन्ना के सवालों का कोई जवाब है आपके पास? जवाब ही नहीं, पूरी योजना है। योजना? कौन सी योजना? अपनी नाक लगा के ठीक से सुनो। समझ में परी भयंकर। अब देखना आप, करूंगा ऐसा महान अभिनय कि शर्मा जाएंगे बड़े बड़े अभिनेता इस ब्रह्मांड के। बस कहीं जोश में होश मत खो बैठना। भयंकर परे आ गया मुन्ना। भयंकर परे जाओ और जैसा मैंने समझाया वैसे ही करना, समझे? निकलो। बालपरी कहिए ना इन्हें, हम ऐसा नहीं कर सकते। गालपरी ये हमने सबसे पूछ लिया लेकिन कोई भी ये नींद वाले लड्डू खाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही ये लड्डू खाकर हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए गालपरी, आप हमारी इतनी सी तो मदद कर सकती है ना। अगर हमने ये नींद वाले लड्डू खा लिए और नींद से जगाने वाली दवाई ने असर नहीं किया तो हम तो सोते ही रह जाएंगे, इसीलिए हम ये लड्डू नहीं खाएंगे। नहीं नहीं गालपरी, और हमने सुना है कि रानी परी दिल्ली और जयपुर के साथ साथ हमें नोएडा और गुड़गांव के बच्चों की भी जिम्मेदारी देने वाली है। और अगर हम सो गए तो उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे ये लड्डू। अच्छा ठीक है, लेकिन बिना किसी को सुलाए हम इस दवा का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? अब पता नहीं, अब ये लड्डू कौन खाएगा? मैं। है कहाँ लड्डू? अरे रुको, डुबा एक रुको। क्या कहा तुमने? तुम ये लड्डू खाओगे? और कौन खाता है परीलोक के सारे? डुबा एक जागो। छुपते नहीं मुझसे लड्डू की खुशबू भी तो छुपेंगे कैसे लड्डू? डुबा एक जागो। लड्डू चाहिए मुझे और लड्डू। और लड्डू? कहीं इसने हमारी नींद वाली लड्डू तो नहीं खा लिए? डुबा एक। चलो अच्छा है, अब इस दवाई का प्रयोग हम डुबा एक पर ही करेंगे। आप सब जल्द ही ये प्रयोग शुरू कर दीजिए। हाँ जी बाल परी। अरे भयंकर परे बाहर आओ, भयंकर परे। क्यों रहे वो चिल्ला अपनी भद्दी आवाज में? ये मच्छर अपुन तेरे से नहीं भयंकर परी से मिलने आया, समझा? परी भयंकर से है क्या काम तुमको? परी भयंकर से हा? अरे भयंकर परी ने बोला था कि हम मच्छर जितना ज्यादा बच्चे लोग में निंदु फैलाएगा हमारा जिंदगी उतना दिन लंबा हो जाएगा, समझा? तू जेंट्स एंड लेडीज मच्छर इतना सारा बच्चा लोग में निंदु फैलाया पर किसी मच्छर का जिंदगी लंबा नहीं हुआ, उल्टा अपुन का जाने मन लिपस्टिक हमको छोड़ के दूसरा वर्ल्ड में जाने वाला था पर अपुन उसको जैसा तैसा करके बचा लिया,
समझ में आ तेरे? बिया बचाना या बहुत अच्छा, जाओ जाकर सेवा करो अपनी लिपस्टिक की, जाओ। ए, अपने को जवाब चाहिए है? बोला भयंकर परी को, नहीं तो उठा के पटक देगा मैं तेरे को। अब होगा क्या फायदा परी भयंकर से मिलने से? जो होना था वो तो हो गया। ए खजूर, ये क्या बोल रहा तू? करना था परी भयंकर को सिर्फ बच्चों को बीमार तुम्हारे जरिए, ताकि आए बालवीर नाक रगड़ते हुए परी भयंकर के पास, क्योंकि है सिर्फ परी भयंकर के पास निंदियो रस का तोड़। इसका मतलब वो आप उनका यूज किया? हाँ, अरे करती है सबको इस्तेमाल ये परी भयंकर खुद के फायदे के लिए। अब बोलो है कौन खजूर? बोलो बोलो, ए मच्छर बोल। अपुन, अपुन है खजूर, नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। बोला अभी के अभी, बोला भयंकर परी को अभी के अभी। अरे हाँ हाँ, है ठीक है ठीक, बुला दूंगा, लेकिन मत बताना उसको कि ये बात बताई है मैंने तुमको, नहीं तो खजूर बना देगी वो जिद्दी चाला चप्पी धोखेबाज होशियार। चुप रहो बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? सारी सच्चाई बता दी इसे, और फिर क्या करूंगी? कैसे लूंगी इसकी मदद? कैसे बनाऊंगी बच्चों को शिकार नींदू का? कैसे बुलाऊंगी बालवीर को यहाँ? तो क्या तुमने बेवकूफ? मुन्ना, मुन्ना मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते मुन्ना। नहीं, अब उन किसी को तुम्हारे माफे धोखा नहीं देता है। धोखा नहीं मुन्ना, धोखा नहीं, मजबूरी। तुम ही सोचो, अगर कोई किसी को बेसहारा लाचार और शक्तिहीन करके चला जाए तो तुम क्या करोगे? वही ना जो मैंने किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बालवीर के खिलाफ इस जंग में मेरे साथ हो। अरे नहीं भयंकर परी, तुम जो किया वो ठीक नहीं किया। अभी तुम देखना अपुन क्या करेगा। क्या क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, तुम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हो, परियों को नहीं। ये तुम्हारा मिस्टेक है भयंकर परी, अपुन डायरेक्टली तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन समझ गए। कहीं तुम बालवीर को जाकर ये सब कुछ तो नहीं बताओगे? नहीं नहीं मुन्ना, ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी मुन्ना, मैं डूब जाऊंगी। ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। बताएगा, मैं उसको जरूर बताएगा। अभी बालवीर अब उनका बदला लेगा तुमसे। मुन्ना, मुन्ना मेरी बात सुनो, मुन्ना मुन्ना बालवीर को मत बताना, मुन्ना बालवीर को मत बताना, मुन्ना मुन्ना कुछ बताना, मुन्ना बालवीर को सब कुछ बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।